जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अलग अलग पार्टियों की ओर से राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ, तुरंत ही गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली और उन्होंने 10 पॉइंट ऐसे गिनाए जिसके सहारे उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर। अब हम नजर डालते हैं, क्या वह 10 सवाल हैं जिनके जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर। पहला, वो कहते हैं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? फारूक अब्दुल्ला या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, वह अलग झंडे का एक मुद्दा लेती रही है, वो अडॉप्ट करती रही है, तो अब इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने सवाल किया है। दूसरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A पर जो रुख है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका समर्थन कर रही है? गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 कश्मीर घाटी से हटाए जाने का विरोध किया था। अब इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने सवाल पूछा है इस गठबंधन से। तीसरा सवाल, गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि क्या कश्मीर में युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता? लगातार बीजेपी इसका विरोध करती रही है, तो अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वार्ता की पक्षधर है, बार बार उनके नेताओं की ओर से ये बात कही जाती है, चाहे फारूक अब्दुल्ला चाहे उमर अब्दुल्ला, तो इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया है। अब चौथा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने का समर्थन करती है? गौरतलब है कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रेड उस वक्त से बंद है जब से पुलवामा जो हमला हुआ था उसके बाद निशाना साधा गया था पाकिस्तान के ऊपर, और तब से पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरीके की वार्ता बंद है, और उसी रणनीति के तहत अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड पर रुख समर्थन करती है, तब ऐसे में सवाल पूछा है गृहमंत्री अमित शाह ने। पांचवा सवाल ये कहा कि क्या आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल परिजनों को, जो उन घटनाओं में लोग शामिल हैं, सरकारी नौकरी उनको मिलेगी? कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी, यह गृहमंत्री अमित शाह ने गठबंधन से पूछा है। ये लोग जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो लोग भारत की फोर्सेस पर हाथ उठाते हैं, वह क्या सरकारी नौकरी में आएंगे? छठा सवाल पूछा है कि क्या आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है? आरोप लगाया है कि हाँ, गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक यह जो आरक्षण विरोधी चेहरा है, यह इन दोनों पार्टियों का सामने आया है। और सातवां सवाल यह है कि शंकराचार्य पर्वत और जो दूसरा हरि पर्वत है, क्या इसको तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत के नाम से जाने जाए? शंकराचार्य पर्वत बहुत पवित्र स्थल है, कश्मीरी पंडितों के आस्था का केंद्र है, और इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया। आठवां सवाल है कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? विकास का एजेंडा यहाँ पर प्रस्तुत किया गृहमंत्री ने, और कहा है कि विकास के जरिए जम्मू कश्मीर में हर तरफ तरक्की हो रही है, तो फिर ऐसे भ्रष्टाचारी गठबंधन को क्यों आप तरजीह दे रहे हैं? नौवां सवाल पूछा है, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर घाटी के बीच भेदभाव का समर्थन करती है? कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रुख रहा है, ये जग जाहिर है। कश्मीर और जम्मू का एक साथ विकास हो, यह बीजेपी की रणनीति है, और इसी के तहत गृहमंत्री ने यह नौवां सवाल पूछा। और आखिरी सवाल जो गृहमंत्री ने कहा है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच का वह प्रदर्शन करते हैं? तो ये एक समान, एक देश एक राज्य और समान अधिकार सारे राज्यों को मिलने चाहिए, यह भाजपा की रणनीति रही है, इसको लेकर यह सवाल उठाए हैं। तो गौरतलब है कि इन सारे अगर 10 पॉइंट को देखें तो इनमें झलक का दिखाई देता है बीजेपी का राष्ट्रवाद का एजेंडा, और इन 10 पॉइंट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रवाद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन की नीति पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और इसी के सहारे उसने निशाना साधा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर।